शांति 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है एक ग्यारह उन्नीस सौ सत्तर फर्स्ट ऑफ नवम्बर नाइनटीन इस मुरली का शीर्षक है बाप समान बनने की युक्तियाँ बाबा इस मुरली में हम सभी बच्चों को बता रहे हैं कि बाप समान बाबा के समान हम कैसे बन सकते हैं उसकी युक्तियाँ बाबा बच्चों को बता रहे हैं आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आज हिम्मत बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष सबूत देख रहे हैं हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की तो बाबा इसका प्रत्यक्ष सबूत देख रहे हैं जो गायन है उसका साकार रूप देख रहे हैं एक कदम बच्चे आगे आते हैं तो हज़ार गुना बाप भी कितना दूर से सम्मुख खाते हैं बाबा कहते हैं एक कदम अगर बच्चे आगे आते हैं तो बाबा हजार गुना बाप भी कितना दूर से सब आते हैं परमधाम से बाबा हम सब बच्चों से मिलने आते हैं कितने हज़ार गुना दूर से बाबा आते हैं अब बाबा पूछते हैं आप कितने माइल से आए हो कितने माइल से आए हो कितनी दूरी से आए हो आप कितने किलोमीटर से तय करके आए हो और बाबा कितनी दूर से आए हैं ज़्यादा ही कौन ज़्यादा प्यार कौन करता है बच्चे या बाप इसमें भी बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं अभी भी इस पुरानी दुनिया में बाप से ज़्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में बाबा से ज़्यादा आकर्षण करने वाली वस्तु क्या है जब मालूम पड़ गया ये पुरानी दुनिया है सर्व संबंध सर्व, सर्व पदार्थ अल्पकाल और दिखावा मात्र हैं बाबा कहते हैं जब मालूम पुरानी दुनिया में बाबा से ज़्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु क्या है अब तो आपको मालूम पड़ गया ये पुरानी दुनिया के जो सारे संबंध हैं जो भी आपके संबंध हैं लौकिक आपके रिश्ते नाते सब हैं आपकी जो संपत्ति है जो सारे पदार्थ हैं अल्पकाल के लिए हैं माना अल्पकाल के लिए है विनाशी हैं सब और दिखावा मात्र है ये सब क्या है दिखावा मात्र है फिर भी धोखा क्यों खाते हो बाबा पूछते हैं फिर भी धोखा क्यों लिप्त क्यों होते हो अपने गुप्त स्वरूप बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे बाबा कहते हैं अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो माना बाबा का जो स्वरूप है निराकारी स्वरूप उसको प्रत्यक्ष करो अब सबको बताओ कि बाबा आया है तब बाबा कह रहे हैं तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे बाबा का गुप्त कर्तव्य क्या है सतयुगी राजधानी को स्थापित करना बाबा आए ना कलयुग में सतयुगी राजधानी को स्थापित करने के लिए किसके द्वारा हम सब बच्चों के द्वारा आपका शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा अभी गुप्त है बाबा कहते हैं जो आपका शक्ति स्वरूप है वो प्रख्यात हो जाएगा अभी गुप्त है सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो वह कौन सा शब्द है सिर्फ अंतर शब्द अंतर में दोनों रहस्य आ जाते हैं अंतर कंट्रास्ट को भी कहा जाता है बाबा कहते हैं अंतर में दोनों रहस्य आ जाते हैं अंतर शब्द याद रखो अंतर कंट्रास्ट को भी कहा जाता है और अंतर अंदर को भी कहा जाता है जैसे कहते हैं अंतर्मुखी व अंतर्यामी कहते हैं ना अंतर शब्द याद रखो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी या अंतर्यामी ये तो बहुत अंतर्यामी है सब बात जानते हैं अंतर्मुखी हैं तो अंतर शब्द से दो अर्थ सिद्ध हो जाते हैं अंतर शब्द याद आने से एक तो हर बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे ये श्रेष्ठ है कि नहीं बाबा कहते हैं अंतर शब्द जब याद आएगा तब आप हर बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे किस चीज़ का कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ जो मैं कर्म कर रहा हूँ जो मैं संकल्प ले रहा हूँ जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं यह श्रीमद के अनुसार हैं कि नहीं है श्रेष्ठ है या नहीं दूसरा अंतर की स्थिति में रहने से अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका तो गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा दूसरा अंतर की स्थिति में रहने से अंतर की स्थिति माना अंतर्मुखी रहने से अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा एक शब्द को याद रखने से जीवन बदल सकते हो अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है उसी प्रमाण अभी ये पाँव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए बाबा कहते हैं जैसे समय की रफ्तार चल रही है उस प्रमाण ये पाँव पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए कौन सा पाँव जिससे याद की यात्रा करते हो बाबा कहते हैं कौन सा पाँव जिससे याद की यात्रा करते हो ना कि फरिश्तों के पाँव पृथ्वी पर नहीं होते कहावत है ना बाबा कहते हैं कहावत है ना कि फरिश्तों के पाँव पृथ्वी पर नहीं होते तो अभी ये बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी फिर कोई भी चीज़ नीचे नहीं ला सकती फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले जैसे साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए वैसे ही साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहें तब आधार लें ना कि प्रकृति जब चाहें तब अधीन कर दे बाबा कहते हैं आप प्रकृति के भी अधीन नहीं होना चाहिए प्रकृति के अधीन जैसे बाबा बहुत ठंडक है बाबा बहुत सर्दी है बाबा गर्म है बाबा इस समय बरसात हो रही है पुरुषार्थ कैसे करें तो बाबा कहते हैं प्रकृति के अधीन हो के बच्चे पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं तो बाबा कहते हैं साइंस वाले आज प्रयत्न कर रहे हैं पृथ्वी से परे जाने के लिए कि पृथ्वी से भी ऊपर पहुंच जाए तो आप भी साइलेंस की शक्ति से अपने शांति की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से परे जब चाहे तब आधार लेना कि प्रकृति जब चाहे तब अधीन कर दे तो ऐसी स्थिति कहाँ तक बनी है बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसी स्थिति बनी है कि आप प्रकृति आप आपको अधीन ना करें अभी तो बाप दादा साथ रहने साथ चलने के लिए सूक्ष्म बतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन ये भी कब तक बाबा कहते हैं अभी बाबा साथ चलने के लिए सूक्ष्म बतन में अपना कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन ये भी कब तक जाना तो अपने घर में है ना इसीलिए अभी जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो <स्थी> इसीलिए बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो साथ चलना साथ रहना फिर साथ में राज करना है ना तो अपनी ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करो अपने आप की अव्यक्त स्थिति बढ़ाओ फरिश्ता स्थिति बढ़ाओ साथ ही साथ बिंदु स्वरूप में भी स्थित होने का प्रयत्न करो साथ चलना साथ रहना फिर साथ में राज करना है ना साथ रहना है साथ रह चलना है फिर साथ में सतयुग में राज करना है ना साथ कैसे होगा समान बनने से अब बाबा कहते हैं साथ कैसे मिलेगा बाबा का साथ कैसे मिलेगा तो बाबा यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताते हैं समान बनने से समान नहीं बनेंगे तो साथ कैसे होगा अभी साथ उड़ना है साथ रहना है ये स्मृति में रखो तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे अभी साथ उड़ना है साथ रहना है ये स्मृति में रखो तब अपने को जल्दी समान बना सकेंगे नहीं तो कुछ दूर पड़ जाएंगे पापा कहते हैं नहीं तो कुछ दूर पड़ जाएंगे वायदा भी है ना कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे और साथ ही राज करेंगे तो बाबा कहते हैं वायदा तो भी बाबा ने किया है कि साथ रहेंगे साथ चलेंगे साथ ही राज करेंगे सिर्फ राज करने के समय बाप गुप्त हो जाते हैं बाबा कब गुप्त हो जाते हैं जब सतयुग आएगा तो बाबा गुप्त हो जाएंगे शिव बाबा फिर से अपने परमधाम चले जाएंगे तो बाबा कहते हैं तो सिर्फ बा राज करने समय बाबा गुप्त हो जाते लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे साथ सतयुग में भी रहते हैं तो साथ कैसे रहेंगे समान बनने से समानता कैसे लाएंगे साकार बाप के समान बनने से अब समानता कैसे लाएंगे जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे उनके समान बनने से अभी बाप दादा कहते हो ना उनमें समानता कैसे आई बाबा अब बाप दादा कहते हो ना शब्द क्या कहते हैं हम लोग बाप दादा तो बाबा कहते हैं बाप दादा कहते हो तो इसमें समानता कैसे आई तभी तो एक साथ नाम जुड़ गया बाप दादा सम्पर्ण समर्पणता से समानता सेकंड में आई समर्पणता से माना समर्पण किया खुद को सरेंडर किया उससे समानता सेकंड में आई ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए बाबा कहते हैं ऐसे समर्पण करने की शक्ति चाहिए जब समर्पण कर दिया तो फिर अपना अन्य का अधिकार समाप्त हो गया तो बाबा कहते हैं जब आप बाबा को समर्पित खुद को कर दिया कहते हो बाबा ये तन मन धन जीवन सब कुछ आपको समर्पित तो फिर बाबा कहते हैं फिर अधिकार समाप्त हो जाता है किसी का जैसे किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो फिर अपना अधिकार और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है अगर अन्य कोई अधिकार रखे भी तो उसको क्या कहेंगे बाबा कहते हैं अगर कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो फिर उसका अधिकार खत्म हो जाता है और फिर बाबा कहते हैं फिर उसको वापस ले सकते हैं क्या कोई चीज़ देने के बाद जब तक अपना व अन्य का अधिकार रहता है तो इससे सिद्ध है कि सर्व समर्पण में कमी है इसीलिए समानता नहीं आती जो सोच सोच कर समर्पण होते हैं उनकी रिजल्ट अब पुरुषार्थ में वही सोच अर्थात व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप बनते हैं बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे बड़ा सोच सोच के समर्पण होते हैं पता नहीं आगे क्या होगा कैसे होगा तो बाबा कहते हैं उससे क्या होता है उनकी रिजल्ट भी कैसी होती है में वही सोच आती है और वही व्यर्थ संकल्प विघ्न रूप में बनते हैं समझा अच्छा ये थी बाबा की एक ग्यारह उन्नीस सौ सत्तर की बहुत सुंदर मुरली एक बार फिर से पॉइंट रिवाइज करेंगे बाबा बच्चों से सबसे पहली लाइन ही बहुत सुंदर मुरली की है बाबा कहते हैं अगर हिम्मत बच्चे करते हैं तो बाबा भी मदद देते हैं यानी हिम्मत बच्चे मदद बाप की मिलती है तो पहले हिम्मत किसको करनी है पहले हम सब बच्चों को करनी है फिर बाबा की मदद स्वतः मिलेगी और इस मुरली में बाबा बताते हैं बाबा की मदद कैसे मिलेगी बाप समान बनने से स्वतः ही बाबा का साथ मिल जाता है जितना जितना बाबा के समान बनेंगे व्रतन करेंगे पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उतना हमें बाबा का साथ मिलता जाएगा तो बाबा बच्चों से पूछते हैं अब ये बताओ कि कौन कितनी दूर से आता है बाबा दूर से आते हैं कि बच्चे दूर से आते हैं तो बाबा इसमें भी हम ही बच्चों को आगे रखते हैं बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया ये जो पुरानी दुनिया है अब इसमें बाप ऐसी कोई चीज़ है पुरानी दुनिया में जो आकर्षण करती हो बाबा से ज़्यादा कोई अच्छा है ऐसी कोई चीज़ है जो बाबा से भी अधिक आकर्षित तो बाबा ने कहा सारे संबंध सर्व संपत्ति सर्व पदार्थ अल्पकाल और सिर्फ दिखावा मात्र है जो भी आपके संबंध हैं ये सिर्फ सारी संपत्ति है पदार्थ हैं ये सिर्फ अल्पकाल के लिए दिखावा मात्र हैं सिर्फ दिखावे के लिए हैं फिर बाबा कहते हैं धोखा क्यों खाते हो जब ये सिर्फ दिखावा मात्र हैं, विनाशी हैं फिर धोखा क्यों खाते हो लिप्त क्यों होते हो तो बाबा ने कहा अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो अपने गुप्त स्वरूप को आपका गुप्त स्वरूप है वरिष्ठता स्वरूप है अव्यक्त स्वरूप है और आत्मिक स्वरूप है बिंदु स्वरूप है तो इसको बाबा कहते हैं और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो आपका भी शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा बाबा कहते हैं सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो कौन सा शब्द बाबा बताते हैं मुरली में अंतर शब्द बाबा कहते हैं अंतर को कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं अंतर अंतर एक होता है अंतर्मुखी एक एक होता है अंतरयामी भी बाबा कहते हैं अंतर शब्द याद रखो कि अब ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ जो भी मेरे संकल्प हैं जो भी मैं करने जा रहा हूँ ये श्रीमद् के अनुसार हैं कि नहीं है श्रेष्ठ हैं कि नहीं है तो बाबा कहते हैं इस अंतर को जब ध्यान में रखोगे ये अंतर शब्द से बहुत कुछ हो सकता है तो इस अंतर शब्द को याद रखना है और ये ध्यान रखना है जब भी कोई कर्म करो अंतर करो कि ये श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है तो बाबा कहते हैं कर्म श्रेष्ठ कर सकोगे फिर बाबा कहते हैं कि प्रति अब आप तो आपको प्रकृति के अधीन नहीं होना है ठंड है सर्दी है गर्म है इन सब के अधीन नहीं होना है बाबा कहते हैं आप जैसे साइंस की शक्ति वाले पृथ्वी से परे जाते हैं ऊपर जाने की कोशिश करते हैं ऐसे आपको भी साइलेंस की शक्ति से इस प्रकृति के आकर्षण से भी दूर चाहे बाबा कहें आधार तब आधार लें ना कि प्रकृति आपको अधीन करे फिर बाबा कहते हैं अब अच्छा आप अपने आप को जल्दी जल्दी अपने को ऊपर की स्थिति में स्थित करने का प्रयत्न करना है आपको बाबा कहते हैं साथ चलना साथ रहना फिर साथ में राज करना है साथ रहना साथ चलना साथ में राज करना है तो ब्रह्मा बाबा के साथ चल ब्रह्मा बाबा बाबा के साथ तो हम चल भी रहे हैं रहना भी है और सतयुग में भी राज करेंगे सतयुग में सिर्फ शिफ़ बाबा हमें वहाँ नहीं मिलेगा तो बाबा कहते हैं वहाँ सिर्फ राज्य में साथ नहीं होगा बाकी साथ अभी चल भी रहे हैं और साथ बाबा हमारे हैं भी हर पल तो फिर बाबा कहते हैं अब आपको समर्पण करना है अपने आप को खुद को बाबा कहते हैं समान समान बनाना है बाप समान बनाएंगे तो साथी बन जाएंगे साथ कैसे रहेंगे तो जितना जितना बाप समान बनेंगे उतना साथ रहेंगे अब समान बनने के लिए बाबा कहेंगे क्या करना है समर्पण करना है खुद को तो जितना जितना समर्पण करेंगे उतना उतना बाप समान बनते जाएंगे ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की एक ग्यारह उन्नीस सौ सत्तर की बहुत सुंदर मुरली आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते हमारे मीठे मीठे बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते ओम शांति